व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द 23 राइड्स चैनल। दैट्स द व्यू फॉर द डे एंड हेयर इज़ आर ADV 390। एंड आज हम एक शॉर्ट स्पिन पे जा रहे हैं। देर इज़ नो पर्टिकुलर एजेंडा इन माइंड। दिल हुआ बाइक चलाने का क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली है आज पहाड़ों में, जैसा आप देख रहे हो आसपास। सो वील बी गोइंग फ्रॉम हेयर टूवर्ड्स मनाली एंड आगे देखते हैं कितना जा पाते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा जैम है टूरिस्ट का। स्लोली स्लोली निकलेगा इसमें से मामला। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। ओहो हो हो, इसके ऊपर से इसुजु निकाली है, सोचो। वेट, देख ही रहे हो आप लोग। टुडे व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस इज व्हाई आई मूव्ड फ्रॉम द टाइगर 800 XCA टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट टू द KTM एडवेंचर 390। एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, माय चॉइस। सो हर एक बाइकर की जो लाइफ होती है ना, उसमें स्टेजेस होती हैं, राइट? व्हेन यू स्टार्ट विद अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, राइट? मैंने भी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड से स्टार्ट किया था, एंड काफ़ी सारे लोग रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बुलेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है। जब आप कि 500 सीसी की है, बहुत तगड़ा भागती है, बहुत टॉर्क है, राइट? एंड सब लोग उसी से मोस्टली स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट मेरे ज़माने के लोग तो करते थे। आजकल के 15-20 ईयर्स वाले यंगस्टर्स किससे करते हैं मुझे नहीं पता, बट सब लोग उससे स्टार्ट करके ना धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं मोटरसाइकिल्स में जो हायर कैपेसिटी हैं, ज़्यादा सिलेंडर्स वाली हैं। एंड बिगेस्ट रीज़न जो होता है ना उन पर अट्रैक्ट होने का, वो होता है पावर। एक और रीज़न जो मेजर रीज़न है वो है एग्जॉस्ट नोट की आवाज़, एग्जॉस्ट की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, राइट? एंड इस अट्रैक्शन के कारण सारे बाइकर्स अपनी मोटरसाइकिल अपग्रेड करते हैं कि हमारी भी एक बड़ी मोटरसाइकिल होनी चाहिए जो यूँ 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 करके आवाज़ करे। हम निकले तो 50 लोग खड़े होके देखें, कहीं बाइक को पार्क करें तो लोग आके पूछें कि क्या हो रहा है, कैसी बाइक है ये कौन सी बाइक है यार, ये कैसी आवाज़ करती है, ओ सुपर बाइक जा रही है, राइट? ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इसके लिए बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल, बड़ी मोटरसाइकिल खरीदते हैं। एंड अगर टूरिंग वाली साइड की बात करें, मेरे जैसे लोग जो थंडरबर्ड 500 से जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलिंग जर्नी स्टार्ट करी, वो लोग सोचते हैं कि यार एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जो सुपर कंफर्टेबल हो हाईवेज पे, ऑफ रोड्स पे, मस्त सस्पेंशन हो। एंड इधर उधर यूट्यूब के वीडियोस देख के उन्हें नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, तो सब लोग एक महंगी एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हैं। पहले लोग सिंगल से डबल पे आते हैं, डबल जैसे मैंने कावासाकी वर्सेस चलाई 3 साल, फिर धीरे धीरे मैं ट्रिपल सिलेंडर मोटरसाइकिल पे आया जैसे मैंने टाइगर 800 चलाई 3 साल, राइट? सो वो जो भूख है ना एक बेटर, बड़ी अच्छी आवाज़ निकालने वाली टूरिंग मोटरसाइकिल लेने की, वो काफ़ी लोगों को उस लेवल पे ले आती है जिसपे वो एक अच्छी खासी महंगी टॉप ऑफ द लाइन मोटरसाइकिल चलाने वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट एक चीज़ जो आई वुड से इज़ ट्रू फॉर 90% ऑफ द पीपल हु आर राइडिंग बिगर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स, उनके पास वो स्किल नहीं होता कि वो उतनी बड़ी मोटरसाइकिल को हैंडल कर सकते। एंड आई वुड से मैं भी उसका एक पार्ट हूँ यार। मैंने कोई फॉर्मल ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग नहीं ली है बड़ी मोटरसाइकिल्स को हैंडल करने की, मैंने कोई प्रॉपर एकेडमी अटेंड नहीं करी ऑफ रोडिंग वाली जिसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाए जाएं। मैंने जब ये बड़ी मोटरसाइकिल ली तो बस दिल था एक बड़ी मोटरसाइकिल चलाने का, जैसे 90% ऑफ द लोगों का होता है। दिल है एक बड़ी बाइक होनी चाहिए गैराज में जिसको पार्क करें पहाड़ों में ले जाके, और एक बार मुड़ के देखें तो ऐसा लगे क्या मोटरसाइकिल ली है यार। तो मैं भी उस कैटेगरी में बिलोंग करता था। बट जब आप एक बड़ी मोटरसाइकिल लेते हो और सोचते हो दिस मोटरसाइकिल कैन डू इट ऑल, ये मोटरसाइकिल कहीं भी जा सकती है, अच्छी रोड्स पे, बुरी रोड्स पे, लद्दाख, दिल्ली टू कन्याकुमारी, कुछ भी कर सकती है, आप एक चीज़ भूल जाते हो कि मोटरसाइकिल तो कर सकती है, क्या आपके पास वो ट्रेनिंग है उस मोटरसाइकिल को वो सारी चीज़ें करवाने की जो मोटरसाइकिल कर सकती है? तो इन केसेस में ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो शॉर्टकमिंग रह जाती है कि आप उस मोटरसाइकिल को उसके फुलेस्ट पोटेंशियल पे चला पाएं, राइट? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टाइगर 800 मेरे पास थी 3 साल तक, राइट? मैंने उस पर काफ़ी ऑफ रोड्स भी किया है, मैंने उस पर जांस्कार किया है, मैंने लद्दाख किया है, मैंने दिल्ली टू गोवा ऑन रोड लंबी, आई थिंक 5000 किलोमीटर था शायद, 5000 किलोमीटर लंबा ट्रिप भी किया है। तो ऑन रोड बड़ी मोटरसाइकिल्स तो सब चला लेते हैं क्योंकि यार एक बार बाइक चलानी आ जाए फिर क्या है, पावर थोड़ी सी अगर अकल हो उसको मैनेज करने की, गधों की तरह बाइक को ना भगाओ आप अगर, तो
ठीक स्पीड पे 100-120 पे क्रूज करते हैं ना, बड़ी मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती हैं, नो डाउट। बट मेरी बेसिक प्रॉब्लम ये निकली ना इतने साल बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स चलाने के बाद, कि ये बड़ी मोटरसाइकिल्स सिर्फ टूरिंग मोटरसाइकिल्स बन के रह जाती हैं। टूरिंग एज इन प्योर रोड टूरिंग मोटरसाइकिल्स। एडवेंचर टूरिंग के लिए जो स्किल चाहिए, एडवेंचर टूरिंग के लिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर ऑफ रोड करने के लिए, जिसके लिए ये मोटरसाइकिल्स एक्चुअली बनी हैं, लाइक दे एडवर्टाइज इज मोटरसाइकिल्स, कि ये सब कुछ करेंगी। जांस्कार का टफेस्ट ऑफ रोड भी करेंगी और ऑन रोड तो आपको फुल ऑन कंफर्ट देंगी। बहुत कम लोगों में स्किल होता है वो ऑफ रोडिंग करने का। मैं जब ऑफ रोड पर लेके जाता था अपनी टाइगर 800 को, तो सच कह रहा हूँ, मैं दिल से दिल वाली बात करूँ ना, एग्जैक्ट सच विदाउट फिल्टर्स लगाए, तो ना ऑफ रोड ले जाते समय ना सबसे पहले ना यही डर होता था, यार ये बाइक गिर ना जाए, क्योंकि अगर ये गिरी तो इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, लंबा खर्चा पड़ेगा, दैट इज़ वन। सेकेंड, ये बाइक को इस रिमोट लोकेशन में, फॉर एग्जांपल मैं जांस्कार में बाइक चला रहा हूँ, अगर वहाँ से इसके नियरेस्ट सर्विस सेंटर चंडीगढ़ कैसे पहुँचाएंगे? अगर पहुँचा भी दिया किसी ट्रक वक में तो उसमें डैमेज हो जाएगी। रोड साइड असिस्टेंस यहाँ पे कैसे पहुँचेगी? और जब ये पहुँचेगी और वापस जाएगी तो ये कितने महीनों बाद मुझे मिलेगी? क्योंकि ऐसी बाइक्स के पार्ट्स इंडिया में तो अवेलेबल होते नहीं है मोस्टली। अगर कोई आप बहुत लकी हो, कोई बहुत ही कॉमन पार्ट हुआ तो इन लोगों के पास इन्वेंट्री में होता है, नहीं तो बाहर से ही आता है। जैसे ट्रायंफ के पार्ट्स यूके से शिप होते थे, जब भी कुछ हल्का फुल्का टूटा है, एक बार 3 महीने लगे थे, दूसरी बार 4 महीने लगे थे बाइक को आने में। सो ये इन चारों पाँचों फैक्टर्स के कारण ना बंदा हमेशा ना लिटरली बोलूँ ना तो हल्की सी उसकी फटी रहती है, कि उसे ऑफ रोड पे मैं ले तो जाऊँगा, बट अगर कुछ हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मुझे नहीं पता कितना लंबा इसका सीन बन जाएगा। दैट इज वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड विद बिगर मोटरसाइकिल्स। एंड सिंस मैं फर्स्ट टाइम इस बाइक को लेकर आया हूँ कुल्लू मनाली हाईवे पे, तो मस्त चलाने में जो मजा आ रहा है इस बाइक को, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट दैट अ लाइटर मोटरसाइकिल एनी डे इज समथिंग दैट एनी राइडर वुड वॉन्ट। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास एक हल्की बाइक होगी ना तो आप उसको ज़्यादा इंजॉय करोगे कंपेयर टू अ हैवी बल्की मोटरसाइकिल। नाउ व्हाई आई से दैट, अगर आप एक एडवेंचर टूरर लेते हो और वही ऑफ रोडिंग वाली चीज़ें करते हो राइट, उस पर जिसके लिए वो एक्चुअली बनी है रादर देन जस्ट ऑन रोड टूरिंग, तो आपकी बाइक डेफिनेटली गिरनी तो है ही, कभी ना कभी तो गिरनी है ही, ये तो कह ही नहीं सकते आप नहीं गिरेगी। और जो गिरती है उसको उठाना एक लंबा टास्क पड़ जाता है यार। मैं आपको फिगर्स बताता हूँ, टाइगर 800 का वेट ऑलमोस्ट 200 केजीज है ड्राई, उस पर अगर आप तेल वेल भर दो सारा, 20 लीटर का टैंक कर दो तो दो कितना हो गया, 220 लीटर हो गया, 220 किलो हो गया अंदाजन मोटा मोटा। उस पर आप थोड़े पैनियर वैनियर या लगेज लगा दो तो करकुरा के ना आपकी बाइक इजीली 240 केजीज की हो जाती है, 235-240 केजीज। अब ऑलमोस्ट 250 किलो को जब ज़मीन से उठाना पड़ता है ना, नॉर्मल टेरेन में नहीं, दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आपकी मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जब पहाड़ों में लेके जाते हो उसे जहाँ पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है, टेढ़ी मेढ़ी सर्फेसिस होती हैं, अनइवन रोड्स होती हैं, वहाँ जब उठाना पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों की ना नानी निकल आती है। अनटिल एंड अनलेस आपको प्रॉपर टेक्निक्स आती हों, अनटिल एंड अनलेस आपको सब कुछ करना आता हो उस बाइक पे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग हो उसको हैंडल करने की, एंड बंदा फिट भी होना चाहिए यार। तो फिट वेट तो चलो ठीक है, हम ठीक ठाक हैं, बट इतनी बड़ी बाइक को, इतने बड़े झमेले को झेलने से अच्छा कि आप लाइटर मोटरसाइकिल चलाओ ना। तो इस चक्कर में दैट वाज वन रीज़न, सिंस आई वाज मूविंग टू अ प्लेस इन द माउंटेन्स वेरी नियर टू मनाली, मेरे दिमाग में था यार कि एक लाइटर मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें पावर भी अच्छी हो, कंफर्ट भी ठीक ठाक हो, और सबसे बड़ी बात लाइटर हो, क्योंकि आप जितने मर्जी मॉडिफिकेशंस करवा लो ना मोटरसाइकिल में, एक भारी मोटरसाइकिल को आप हल्का नहीं बना सकते। कितना हल्का बना लोगे यार, एग्जॉस्ट थोड़े से चेंज कर दोगे, टाइटेनियम एग्जॉस्ट, कार्बन फाइबर, ये वो शू शाह चीज़ें लगा लोगे, कितना कम कर लोगे, 4-5 किलो? यार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 25-30 केजीज का फ्लैट आउट डिफरेंस, ठीक है? तो वो डिफरेंस आप कभी ओवरकम नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, पहाड़ों में जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, जहाँ पे आपकी बाइक गिरती है ना मोस्टली, वहाँ पे ना एक एक किलो मैटर करता है, वहाँ पे एक हल्की बाइक को उठाना, मैनूवर करना, घुमाना, लाइटर इज ऑलवेज बेटर। एंड मोर ओवर, अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो एक ना एक्सपल्स खरीदने का बड़ा ट्रेंड हुआ पड़ा है। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल रखते हैं पर साथ में एक एक्सपल्स जरूर रख लेते हैं। किस लिए रखेंगे? ऑफ रोडिंग करनी है। अरे भैया ऑफ रोडिंग करनी है तो एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल क्यों खरीदी है? 30 भाई साहब सबकी है बड़ी मोटरसाइकिल चलाने में,
एंड दैट इज़ वाई यू सी दैट ट्रेंड के एक्सपल्स खरीदनी है, एक्सपल्स के साथ रैली किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वो गिरेगी और टूटेगी तो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होगा, राइट? इसलिए सब लोग हल्की बाइक की तरफ जाते हैं और खर्चा सभी को यू नो ध्यान में रखना पड़ता है. तो एक और रीज़न जिसके कारण मैं एडवेंचर 390 पे शिफ्ट हुआ वो था सर्विस सेंटर रीच. ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर नियरेस्ट टू मनाली वॉज इन चंडीगढ़, एंड KTM का तो मनाली भुंटर वाले एरिया में ही एक सर्विस सेंटर है. अब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बाइकें चलाने के बाद, आई मीन आई हैव रिडन मोस्ट ऑफ द बिगर एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, बीट अ डुकाटी, बीट अ GS, बीट अ ट्रायम्फ 1200 ऑल्सो. सो अब वो है चीज़ें, मतलब वो क्रेज़ उतना तगड़ा नहीं है कि बड़ी बाइक पे ही होगा जो होगा, छोटी बाइक पे नहीं हो सकता. ये माइंडसेट चेंज हो चुका है, जिसे कहते हैं ना बीन देयर डन दैट. उसके बाद ना अब समझ में आ चुका है कि यार बड़ी बाइक से ना लिमिटेशन ज़्यादा हैं इनफैक्ट कंपेयर टू छोटी बाइक. अगर आपकी बाइक में ठीक ठाक पावर है ना, जो आपको एक्साइटेड रखती है बाइक को चलाते समय, वही चाहिए ना यार. फुल पोटेंशियल पे, बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप एंड पे तो किसी बाइक को हम चलाते ही नहीं है. सो अगर आपकी बाइक ईजिली 130-140 टच करती है, उस पर ऐसा लगता नहीं है कि आपने थ्रॉटल को पूरा खींचा पड़ा है और इसके बाद की जान निकल जाएगी, तो आई थिंक यू हैव इनफ पावर. एंड ऐसी मशीन्स हैं आजकल इन द बजट सेगमेंट विच इज़ अंडर 4 lakhs. सो दैट्स वाई आई थॉट वाई नॉट ट्राई आउट द एडवेंचर 390 फॉर सम टाइम, एंड टिल नाउ आई एम रियली इन्जॉइंग द मोटरसाइकिल. थोड़े बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं यार, बट ऑफकोर्स वो तो रहेंगे. अगर बिल्कुल ही एक परफेक्ट मोटरसाइकिल आपको मिल जाए 4 lakh के अंदर, तो बड़ी बाइकें तो बिकना बंद ही हो जाएंगी ना बिल्कुल. तो दैट इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, एंड दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस वेन आई स्विच्ड टू द एडवेंचर 390. So there we go. We start our ascent to Rohtang, right? This is where the fun begins with the twisties, proper twisties. And sari bikes actually pahadon pe aake na, I feel barabar ho jati hain. Mostly barabar ho jati hain, kyunki aapki average speed में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है पहाड़ों पे. अगर आप बड़ी बाइक चलाओ, छोटी बाइक चलाओ, 30, 35, 40, इससे ज़्यादा आपकी एवरेज स्पीड आनी ही नहीं है. कुछ भी कर लो, जैसे मर्जी भगा लो. थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है पुलिंग कैपेसिटी में, जो स्टीप इंक्लाइंस पे अगर आप लोडेड मोटरसाइकिल लेके जाते हो तो कुछ बाइक्स का पिकअप थोड़ा कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है. एंड दैट इज़ वन एरिया दैट इज़ ब्यूटिफुली एड्रेस्ड बाय द एडवेंचर 390. इस पे कहीं भी पावर की कोई एज सच कमी लगती नहीं है. जितनी यूजेबल पावर चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर एट सोलांग, एंड यहाँ पे सारा जैम दिखा रहा था गूगल मैप्स में. लेट्स सी एक्चुअल में क्या सीन है यहाँ पे. सो एक्चुअली यहाँ पे ना अभी भी अच्छा खासा जैम है ऊपर. सोलांग पहुँचने तक ही बैंड बजा पड़ा है ट्रैफिक का, तो कोई पॉइंट नहीं आगे जाने का यार, बिना बात के ट्रैफिक में अपना दिन भर बात करने का. सो एज यू सॉ वी वर ट्राइंग टू रीच द अटल टनल, एंड मेरी अभी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी. यहाँ पे ना 2 बजे के बाद अच्छा खासा जैम लग जाता है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड मोस्ट पीपल आर ट्राइंग कि अटल टनल तक जाते हैं. तो इसलिए आई हैड टू टर्न बैक. बाय द वे, दिस इज ऑल आई हैड टू डिस्कस विद यू अबाउट माई रिसेंट मूव टू द KTM एडवेंचर 390 फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइन टाइगर 800. मेरे जो रीजंस थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूव. अब ये मत कहना टाइगर टाइगर है, टाइगर टाइगर तो है ही, बट कुछ रीजंस है जिसके कारण मैंने ये लाइटर एडवेंचर बाइक पे मूव करा. एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक आर द टॉप 3 things डैट यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप एक एडवेंचर बाइक खरीदने जाते हो मार्केट में. आई थिंक सब लोगों के लिए वो टॉप 3 points डिफरेंट होंगे. वुड लव टू हेयर इन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम यू गाइज. Till then, bye-bye. I'll ride back home from here. See you.